गाइस कहा जाता है कि प्रसिद्ध इतवाली चित्रकार लियोनार्डो द विंसी का संबंध एलियन से था। कई लोगों का तो ये तक मानना है कि लियोनार्डो खुद एक एलियन थे। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, आइए आज हम जानते हैं इस सब के बारे में। गाइस 14वीं शताब्दी में यूरोप पुनः जागरण के दौर से गुजर रहा था। उस दौरान यूरोप में सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, कलात्मक, शिक्षा आदि के कई बदलाव हो रहे थे। यूरोप के इस पुनः जागरण को पुनः जागरण काल के रूप में भी जाना जाता है। 14वीं से 17वीं शताब्दी तक यूरोप की भूमि में कई ऐसे लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने समाज की सोच को एक नए मोड़ पर खड़ा कर दिया। उनमें से एक थे लियोनार्डो द विंसी। लियोनार्डो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे लेखक, चित्रकार, दर्शनिक, इंजीनियर, वास्तुकार आदि थे। आज के आधुनिक युग में शोधकर्ता उनके कार्यों को बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। उनकी रिसर्च में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। अध्ययन के बाद कई शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि लियोनार्डो द विंसी अपने जीवन में जो कुछ भी किया उसमें कहीं ना कहीं अलौकिक जीवन का प्रभाव दिखाई दे रहा है। लियोनार्डो की पेंटिंग में आज भी देश और दुनिया के कई लोगों को उस रहस्यमय संदेश को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो उजागर होने पर कई रहस्यों को उजागर कर सकता है। गाइस रिसर्च में दावा किया गया है कि उनकी मशहूर पेंटिंग मोनालिसा में एक जगह एलियन छिपे हैं। रिसर्च के मुताबिक अगर आप मोनालिसा की पेंटिंग को बिल्कुल शीशे के साथ रखकर उसका प्रतिबिंब देखते हैं तो उसमें एक एलियन देखने को मिलेगा। गाइस ऊपर की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मोनालिसा की तस्वीर को मिरर के किनारे में रखकर तस्वीर के बीच में एक एलियन फिगर बनता जा रहा है। गाइस लोकप्रिय यूएफओ ब्लॉगर के अनुसार लियोनार्डो एक एलियन थे। उनका जिक्र उन्होंने अपनी वेबसाइट पर किया है। उनके अनुसार लियोनार्डो की असीमित बुद्धि इस बात का संकेत है कि वो इस ग्रह के निवासी नहीं थे। उनकी माने तो लियोनार्डो द विंसी की पेंटिंग में जो गुप्त संदेश है अगर वो उजागर होता है तो उनके एलियन होने की बात की पुष्टि हो सकती है। गाइस लियोनार्डो के कई चित्रों में आपको उड़न तस्तरियों के चित्र मिलेंगे। लियोनार्डो को उस समय कैसे पता चला कि ये मशीन ऐसी दिखाई देती है जबकि उनका आविष्कार उस समय नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, लियोनार्डो द विंसी ने उस समय हेलीकॉप्टर के कॉन्सेप्ट को अपनी पेंटिंग के जरिए सबके सामने रखा था। गाइस इसके अलावा उनकी पेंटिंग में कई ऐसी मशीनें देखी जा सकती हैं जिनका आविष्कार उस समय तक नहीं हुआ था। गाइस इन सभी खोजों और चित्रों को समय से पहले देखने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि लियोनार्डो द विंसी किसी एलियन जीवन से संबंधित थे या वो खुद एक एलियन थे। गाइस आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।